छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आरटीओ जांच चौकी खुलने के बाद एवं खनिज जांच नाका रहने के बावजूद भी वाहन बिना फिट पास के ओवरलोड चल रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब बीती रात कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देश पर एसडीएम एवं प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर व रामानुजगंज के प्रभारी तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व अमले के द्वारा पूरी रात जाँच की गई, जिसमें गिट्टी लोड किए 7 हाईवे वाहन व 2 ट्रेलर बिना फीट पास के ओवरलोड चलते पकड़े गए। गौरतलब है कि लंबे समय से बिना फीट पास के हाईवे वाहन गिट्टी लेकर लगातार झारखंड जा रहे थे, जिसके लगातार शिकायतों के बीच एसडीएम एवं डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व अमले के द्वारा बीती रात 11 बजे से जब जाँच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। करीब करीब सभी वाहन जो गिट्टी लोड किए हुए थे वह बिना फीट पास के चल रहे थे। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। कल रात रामानुजगंज शहर में 9 गाड़ियों को अवैध गिट्टी परिवहन में पकड़ा गया है, जब्ती बना के पुलिस को सुपुर्दगी दिया गया है। वर्तमान में उसकी जांच जारी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।